स्वागत है आपका नेहा सोनी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे रेडीमेड बैटर से डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों, ये है श्री मुर्गन इडली डोसा बैटर। अब हम इसे बनाएंगे डोसा। तो हमने इस पैकेट को एक पतीले में खाली कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी सही है। इसमें हमें पानी कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे अपने स्वादानुसार, लगभग एक चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। बैटर आप देखिए कितना स्मूथ है। अब हम इससे डोसा बनाते हैं। तो हम लगभग हाफ कटोरी घोल लेंगे और इसको गरम तवे पर, नॉन स्टिक तवे पर डालेंगे। इसको डालकर अब अच्छे से कटोरी को साइड से थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से घुमाएंगे। पूरे तवे पर इसको फैला देंगे एकदम बिल्कुल पतला। अब हम इसको एकदम अच्छे से सिकने देंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन न होने लगे। इस बैटर से जब आप डोसा बनाना चाहें तो इसको लगभग 3-4 घंटे रेफ्रिजरेटर से बाहर रखें। उसके बाद इसे डोसा बनाएं तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये ब्राउन होने लग गया है। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। बटर को हम पूरे डोसा पर अच्छे से फैला देंगे तो ये अपने आप पिघल जाएगा क्योंकि डोसा गर्म है, फ्लेम हाई है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि किनारों से ऊपर उठने लगा है। डोसा जब सिक जाता है तो अपने आप ऊपर होने लग जाता है साइडों से। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब यह लगभग सिकने वाला है। तो अब हम इसको चम्मच की सहायता से पलट कर थोड़ा सा देखेंगे उठाकर कैसा है। यह सही है तो हम इसको एक बार चम्मच इसके नीचे से पूरा घुमा देंगे और उसको तवा से हटा लेंगे। हम देख सकते हैं यह पूरा हमने तवे से अलग कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल पतला पेपर डोसा तैयार है। इसको आप एकदम बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल पतला है और एकदम क्रंची दिखाई दे रहा है। इसको हम मसाला और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन्जॉय इट गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू, बाय।